पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा की जनविश्वास यात्रा 30 दिसंबर को मुरादाबाद पहुंचेगी। जनविश्वास यात्रा के दौरान बुद्धि विहार फेज 2 में जनसभा भी होगी। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। इसके बाद यात्रा मुरादाबाद से विधानसभा कुंदरकी के लिए प्रस्थान करेगी। पंचायती राज मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह ने जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ जनसभा की तैयारियों को लेकर बैठक ली और सभी को दिशा निर्देश दिए। पंचायती राज मंत्री ने बताया कि जनविश्वास यात्रा अमरोहा से समाप्त होने के बाद कांट विधानसभा छजलैट मंडल के पैगम्बरपुर बूथ पर स्वागत कार्यक्रम होगा। यात्रा उमरी चौराहा पेट्रोल पंप कांट मौड़ी चौराहा करणपुर चौराहा होते हुए मुरादाबाद पहुंचेगी, जहां पर जगह जगह उसका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद गांधी मूर्ति पर माल्यार्पण होगा। रात्रि विश्राम भी बिलारी में होगा। अगले दिन जिला संभल में स्वागत होगा। इसी को लेकर आज सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रैली को सफल बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। जनविश्वास यात्रा जो क्रमांक संख्या 1 है वो 30 तारीख में यहाँ पहुँचेगी मुरादाबाद, और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी हमारे अमित शाह जी रहेंगे, तो उसकी तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं ने संख्या की दृष्टि से, संचालन की दृष्टि से, व्यवस्थाओं की दृष्टि से सारे काम हम लोगों ने बांटे हैं। और जिस प्रकार का समर्थन जनविश्वास यात्रा को मिल रहा है और लोग सड़कों पर आकर बड़ी संख्या में समाज के सभी वर्गों के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी सभा, ऐतिहासिक सभा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ होगी। और यात्रा का जहाँ तक विषय यात्रा, हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमने अपने घोषणा पत्र में जो बातें कही थी, संकल्प पत्र में जो बातें कही, हमने सब पूरी की हैं और जनता को हम बता रहे हैं कि हमने ये काम किए हैं। उन कामों के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत और सक्रियता के आधार पर हम लोग एक बार पुनः सरकार बनाएंगे। नहीं, मुरादाबाद कोई कमजोरी नहीं है। मुरादाबाद राजनीतिक दृष्टि से हमेशा भाजपा के लिए अच्छे परिणाम देता रहा है और आगे भी देगा। सारी सीटें जीते लाखों में। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।